हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये जो हमारे सामने लेटर है, ये इंटरमीडिएट का जो 12 में है और सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है, थ्योरी एग्ज़ाम, उसी से संबंधित है कि थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कब होगा, लड़के ये पूछ रहे थे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका प्रैक्टिकल है, वो यहाँ पर इस लेटर में दर्ज है डेट वाइज कि किस डेट को किस रोल नंबर के विद्यार्थी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है। इसके बाद बायोलॉजी वाले का, साइकोलॉजी वाले का जब लेटर निकल जाएगा तो उसके बारे में सूचना दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। 28, 30 और 1, 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है। इसमें रोल नंबर आप देख लीजिए, 1 से 100 रोल नंबर तक। 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स का और सेकेंड सिटिंग में 101 से 200 रोल नंबर तक फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा। इसी में इसी विद्यार्थी का थोड़ा उल्टा क्रम में, यानी जिसका फर्स्ट सिटिंग में प्रैक्टिकल फिजिक्स का होगा, उनका सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हो जाएगा, और जिनका फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा उन्हीं बच्चों का सेकेंड सिटिंग में फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस तरह से 28, 30 और 1 तारीख तक 3 दिन में सभी प्रैक्टिकल ले लिए जाएंगे, और फिर बायोलॉजी का और साइकोलॉजी का जब प्रैक्टिकल का डेट डिक्लेयर होगा तो उसको भी फिर बता दिया जाएगा। साथ ही ये साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल का लेटर आ गया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटअप टेस्ट का थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल जस्ट हो रहा है। 28 और 30 2 दिन का समय दिया गया है, तो इसमें 28 तारीख को लड़कियों का सेंटअप टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा साइकोलॉजी वाला का, और 30 तारीख को लड़कों का प्रैक्टिकल होगा साइकोलॉजी वाले का। इसमें रोल नंबर बटा हुआ है 2 भाग में, 2 से 245 रोल नंबर तक जितने भी लड़कियां हैं उनका 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में प्रैक्टिकल होगा, और 248 के से 512 तक रोल नंबर वाले जितने लड़कियां हैं उनका सेकेंड सिटिंग में 2:45 से 5:15 बजे तक प्रैक्टिकल होना है साइकोलॉजी का। इसी तरह 30 तारीख को 7 रोल नंबर से 267 रोल नंबर तक के बीच में जितने भी लड़के हैं वो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल में शामिल होंगे फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में 272 से लेकर के 511 रोल नंबर तक सभी लड़के, वो जो साइकोलॉजी जिनका है, वो इस प्रैक्टिकल में शामिल होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये 2 दिन में सारा लड़का लड़की का कहानी प्रैक्टिकल के रूप में ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें नियम क्या पालन करना है, तो वो नियम है कि आपको 3 चीज़ लेकर के आना है कम से कम। एक है परीक्षा फॉर्म भरने का नामांकन रसीद, दूसरा है एक फ़ोटो वाला पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या महाविद्यालय का पहचान पत्र, और तीसरा चीज़ है पंजीयन पत्र, आपका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको भी या उसका फोटो कॉपी आप लेकर आएंगे। अगर ये तीनों चीज़ नहीं लाएंगे तो आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका जब आपको अंदर में मिलेगा तो उसमें आप अपना वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर जो है, विषय क्या है, तिथि कौन सा तारीख को आप दे रहे हैं, किस पाली में यानी फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में आपका हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी के ऊपर पर लिखना नहीं भूलना है, ये लिख देना है। फिर सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या फेल हो जाने पर आपका प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, ये पहले बताया जा चुका है कि इस परीक्षा में बैठना भी है और पास भी होना है। परीक्षा में कोई विषय छूट जाने पर दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी, इसलिए ससमय आप लोग परीक्षा में शामिल होने की कोशिश करिएगा। इसलिए गंभीरता से इसके प्रोग्राम को आपको समझना है, देखना है। जो एक्स रेगुलर अथवा एक्स स्टूडेंट हैं और जो पिछले वर्ष सेंटअप परीक्षा नहीं दिए थे उन्हें भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, यानी कि पिछले वर्ष जो है फॉर्म ही नहीं भरा या सेंटअप परीक्षा में बैठा ही नहीं और एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, तो उनको इस बार परीक्षा में बैठना होगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये मुख्य रूप से नियम है। अभी के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।